ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं जी अलहमरा आर्ट काउंसिल कोटियों में अंदर। ये है जी व्यू अलहमरा आर्ट काउंसिल में पीछे खड़ा होता हूँ ताकि प्यारा दे। मेरा भी कहते हैं एजेंट ऑफ बॉस ब्लॉग इसी तरह प्यार देते रहे और हम लोग अपनी कोशिशें जारी रखें। Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. So guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे सारे। क्या हो रहा है? So guys, ये नहीं है कि आज हम लोग जा रहे हैं जी अलहमरा आर्ट काउंसिल। कोई ड्रामा श्रामा है, कोई स्टेज ड्रामा टाइप वो देखने जा रहे हैं, तो चलते हैं। One hour later. So guys, पहुंच गया हूँ मैं अंदर। ये है जी व्यू अलहमरा आर्ट काउंसिल के अंदर का। अब मैं जा रहा हूँ जी अपना हॉल नंबर 2 की ओर, क्योंकि जो ड्रामा श्रामा है वो हॉल 2 में लगना है। गाइस ये कायदे आज़म का स्टैचू से लगा हुआ है, यहाँ पे अल्लामा इकबाल का स्टैचू है। तो गाइस ये स्टैचू है नौरीन असमा शहजाद का। देखिए नौरीन लग नहीं रही मुझे। तो गाइस ये लिस्ट है जो ड्रामे लगेंगे यहाँ पे, और आज की 30th है, तो आज आएगी एक चादर मैली सी। ये ड्रामा होगा आज हमरा के यहाँ पे मनाजर देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और बड़ा अच्छा बना हुआ है ये। थोड़ा तो और एक्सप्लोर करते हैं इसको, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सीन है। ये हमरा अदबी बैठक है और ये क्लास रूम्स है। तो मेरे साथ एक एक्टर भाई हैं, फ्यूचर स्टार है हमारे। मेरे नाम क्या है? राशिद भट्ट। राशिद भट्ट ये हमारे फ्यूचर के सुपर हीरो होने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स। अच्छा गाइस रश लगना शुरू हो गया यहाँ पे। 3 मिनट्स लेटर। सो गाइस आ गए हम अलहमरा आर्ट काउंसिल हॉल 2 के अंदर। तो बस वेट कर रहे हैं ड्रामे का। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा ड्रामा है, गुड़िया पटोले। यू नो नाम से थोड़ा हिस्टोरिकल सा, वो पिंडों वाले बड़ी ना प्यारी सी हिस्टोरिकल सी वाइब्स आएंगी। एक ना हम जिस तरह माजी में लोग पैसे और हवस से ज़्यादा ना एक बचपने वाली चीज़ नहीं होती, वो वाली चीज़ें आप देखेंगे तो बड़ा इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ड्रामा चेक करें, हम लोग ड्रामा देखने आए और अंकल बुक दे के आए हुए हैं। लगता है शायद ड्रामा देखा ना होगा, बुक पढ़नी पड़ेगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक चादर मैली सी। राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवल पे महफूज ये प्ले फर्स्ट टाइम हम स्टेज कर रहे हैं। फैसला किया है कि
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੋ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ चलो इसी में फिर रेस्ट से चेंज हुआ सब चीज़ें के लिए सो धन धन वाके बहुत अच्छा था शाह साहब आपके नीचे शाह साहब इधर आओ जी सही अल्लाह नहीं करते जरा ब्लॉग बता दे लोग कैसे रहा यार ड्रामा कैसे रहा ये बहुत अच्छा है शाह साहब जो है इनको इंट्रोड्यूस नहीं करा उसका मैं कि डायरेक्टर है फिल्म डायरेक्टर है यार लेवल है माशाल्लाह बड़ा इनके डीप विजन है हमारे बड़े पुराने से बड़े प्यारे से क्यूट से भाई हैं हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है ना जारमा नहीं हो रही है अच्छे रिकॉर्डिंग हो रही है पता नहीं था सही है इंशाल्लाह बाइक व्लॉग बड़े अच्छे हैं सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए इंशाल्लाह हम इस तरह आपको नजर आते रहेंगे आप इंशाल्लाह ओके हम लोग बस कोशिश कर रहे थे आप लोग ऑडियंस है आप लोग हमें सराहते हैं आप लोग सराहते हैं किस तरह से कर रहे हैं इसी तरह प्यार देते रहे और हम लोग अपनी कोशिशें जारी रखेंगे थैंक यू बहुत अच्छी एक्टिंग थी आपकी थैंक यू बड़ा मजा आया मैं व्लॉग में ओके ओके थोड़ा मैं पीछे खड़ा होता ताकि मैं प्यारा दूँ ये ड्रामा जो था ये राजेंद्र सिंह बेदी हैं जो सब कॉन्टिनेंट के अफसाना निगार थे उनके अफसाने के ऊपर बेस था एक चादर मैली सी उसमें एक करेक्टर है तुलोका जो तांगा बांध है और बीवी के साथ लड़ता झगड़ता है लेकिन रात को मारता है तो अगले दिन उसे मनाता भी है तो बस इस तरह का एक करेक्टर है जो पेश किया गया ड्रामा बहुत अच्छा था अलहमरा थिएटर फेस्टिवल का बहुत शुक्रिया हर साल होना चाहिए बल्कि साल में 2-3 दफ़ा होना चाहिए ज़बरदस्त मैम हम यूट्यूबर्स हैं और ब्लॉगर्स हैं बहुत मज़ा आया सो गाइस इधर ही हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं और आपने क्या करना है इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब और बस डम 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 हो जाए ओके फिर अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़